Assalamualaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, as you know, this is an English lecture, class 8, chapter number 7, and the topic is Clever Mirchu, and in today's lecture, I will read and translate the chapter number 7. And our title is Reading and Translation. Dear student, I hope you have completed many lessons and learned all the lessons by heart. I wish you should revise the previous lessons and learn this lesson also. Let's start the reading and translation. Chapter number 7. Topic is Clever Mirchu. Clever mean chala. Mirchu is the name of a child. Clever Mirchu, chalak Mirchu. First of all, I will go through the pre-reading question answers. Here is a pre-reading box. And in pre-reading box, there are 3 questions. Question number 1. Who is a woodcutter? Who is a woodcutter? Lakdara kon hai? And the answer is, woodcutter is a man who cuts woods from a forest and sell them in the bazaar to buy food. लकड़हारे से मुराद एक वो आदमी होता है जो जंगल से लकड़ियाँ काटता है और इन लकड़ियों को बाज़ार में बेचकर खुराक खरीदता है, या फिर उन लकड़ियों को बाज़ार में बेचकर जो पैसे कमाता है उससे अपनी खाने पीने की अशिया खरीदता है. क्वेश्चन नंबर 2. कैन यू प्रिडिक्ट द स्टोरी by looking at the title and the picture of the story. कि स्टोरी की ये पिक्चर देखकर और टाइटल क्लेवर मिर्चू पढ़ने के बाद आप क्या स्टोरी के बारे में जानते हैं या इसके बारे में कोई पेशन गोई कर सकते हैं. प्रिडिक्ट पेश गोई करना या पहले से बताना. द आंसर, यस, इट इज़ वेरी क्लियर दैट द स्टोरी इज अबाउट 7 बॉयज, especially Mirchu, a small boy, and woodcutter and his wife. So we can predict this story to see the title and picture of this story. जैसे कि तस्वीर में एक woodcutter है और उसकी wife यहाँ से जाते हुए नज़र आ रही हैं, जबकि 7 बच्चे, जिनमें 7वां बच्चा बहुत छोटा एक साइड पे खड़ा है और 6 बच्चे लकड़ियाँ काटने और उन्हें इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं, तो हम कहानी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी करैक्टर डू यू सी इन द पिक्चर? कहानी में आपको कितने किरदार नज़र आते हैं? एंड द आंसर, देयर आर 9 करैक्टर्स इन पिक्चर्स. वुडकटर, हिज वाइफ, 7 चिल्ड्रन, स्पेशली Mirchu कलेक्टिंग द वुड्स. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. पैराग्राफ नंबर 1. अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. एक लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में रहते थे. लिव्ड रहते थे. They had 7 children, all of them were boys. उनके 7 बच्चे थे और सब के सब लड़के थे. The woodcutter and his wife were so poor that at time they did not know where to get money to buy food for their children. लकड़हारा और इसकी बीवी सो पुअर, इतने गरीब थे कि
एट टाइम्स, बाज़ उकात या कभी कभार, दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे कि वो रकम कहाँ से लाएं ताकि अपने बच्चों के लिए खुराक खरीद सकें। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री, बच्चे बड़ी तेज़ी से बड़े हो रहे थे कि वो हमेशा भूखे रहते, फेल्ट हंग्री, भूखे रहते। पैराग्राफ नंबर टू, द यंगेस्ट सन हाउएवर वॉज द वन हु कॉज्ड हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंजाइटी। द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा लड़का, हाउएवर वॉज द वन, ताहम वो था जो कि अपने वालदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बाइस बना हुआ था। एटमोस्ट, इंतहाई, एंजाइटी, परेशानी, बच्चा अपने वालदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बाइस बना हुआ था। इट इज़ ट्रू दैट ही डिड नॉट ईट मच, ये भी सच है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, बट दिस वॉज बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल, लेकिन ये इस वजह से था क्योंकि वो बहुत छोटा था। कहानी में ये जो बच्चा है वो परेशानी का बाइस बना हुआ है, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खाता है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ही छोटा था। इंडीड व्हेन ही वॉज बोर्न ही वॉज ओनली द साइज ऑफ अ पीपल, जब वो पैदा हुआ तो वो महज एक सब्ज मिर्च की जसामत जितना था। साइज ऑफ अ पीपल, सब्ज मिर्च की जसामत। एंड दैट वॉज वाई ही वॉज नेम्ड मिर्चू, दैट वॉज वाई, यही वजह थी कि उसका नाम मिर्चू रखा गया या इसका नाम मिर्चू रख दिया गया। डियर स्टूडेंट, हियर इज अ क्वेश्चन रेलेवेंट टू द पैराग्राफ। वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, सबसे छोटे बच्चे को मिर्चू क्यों कहा जाता था। एंड द आंसर इज द यंग सन वॉज वेरी स्मॉल इन साइज, यंग सन वॉज वेरी स्मॉल इन साइज एंड ही वॉज नो बिगर देन अ पीपल, देयरफॉर ही वॉज कॉल्ड मिर्चू। छोटा बच्चा जसामत में बहुत छोटा था, वो एक सब्ज मिर्च से ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए इसे मिर्चू कहा जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर थ्री, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वंस इट हैपन्ड दैट देयर वॉज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड, एक दफ़ा यूं हुआ कि मतवातर तीन महीनों तक, नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड, मतवातर तीन महीनों तक कोई बारिश ना हुई, या मतवातर कई महीनों तक कोई बारिश भी ना हुई। अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, एक बहुत बड़ा कहत पड़ गया पूरी ज़मीन पर। अ ग्रेट फैमिन, एक बहुत बड़ा कहत पूरी ज़मीन पर पड़ गया, और लकड़हारे के पास जल्द ही अपने कुंबे को देने के लिए कुछ नहीं था, हिज फैमिली, अपने कुंबे को। ऑल द सेविंग्स वर गोन एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू ईट, ऑल द सेविंग्स, सारी जमा पूंजी वर्गोन, ख़त्म हो गई, सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई और खाने के लिए कुछ भी बाकी ना बचा। हेयर इज़ अ क्वेश्चन, वाई देयर वॉज नथिंग टू ईट, वाई देयर वॉज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ क्यों नहीं बचा था। एंड द आंसर, एज अ ग्रेट फेमन had spread across the land and Mirchu's family had nothing to eat,
चूँकि हर तरफ एक बहुत बड़ा कहत फैल चुका था, इसलिए मिर्चू के कुंबे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4, वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्थ। हम अपने बच्चों को मजीद नहीं खिला सकते, नो लॉन्गर मजीद, फीड खिलाना आवर चिल्ड्रन बच्चों को, हम मजीद अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। वुड कटर लकड़हारे ने एक रात अपनी बीवी से कहा जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे थे, एम्प्टी हर्थ खाली चूल्हा, बिसाइड के पास, जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे थे तो लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा कि हम बच्चों को मजीद नहीं खिला सकते। When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. जब लड़के सुबह नाश्ते के लिए जागेंगे तो इनके खाने के लिए कुछ नहीं है। My dear, there is only one thing that we can do. We must, सिर्फ एक ही बात है या सिर्फ एक ही काम है जो हम कर सकते हैं मेरी प्यारी, वी मस्ट टेक देम इन टू द फॉरेस्ट एंड लीव देम देयर, कि हम इन्हें जंगल में ले जाएं, टेक इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में ले जाना, कि हम इन्हें जंगल में ले जाएं और इन्हें वहीं छोड़ आएं। मे बी, हो सकता है सम रिच मैन फाइंड्स देम एंड टेक्स देम होम, हो सकता है वो किसी अमीर आदमी को मिल जाए और वो इन्हें अपने घर ले जाए, टेक देम होम, अपने घर ले जाए। आई एम श्योर दैट, मुझे यकीन है कि ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम, बेटर केयर, अच्छी, अच्छे तरीके से ख्याल रखना या देखभाल करना, मुझे यकीन है कि वो इनका बेहतर देखभाल करेगा, कि वो इनकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करेगा। पैराग्राफ नंबर 5, द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, बेचारी बीवी रोती रही और वो ज़ारो कतार रोती रही, क्राइड एंड क्राइड, ज़ारो कतार रोती रही। शी वॉज सो फुल ऑफ सोरो टू हियर दिस, ये सुनकर वह इंतहाई गमजदा हो गई। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, एज द नाइट वोर ऑन, जैसे जैसे रात ढलती गई, वोर ऑन, ढलना यानी रात का आगे बढ़ना, ज़्यादा गहरा होना, जैसे जैसे रात ढलती गई, शी एग्री टू हर हस्बैंड्स प्लान, वो बिलाखर वो अपने खावन की तजवीज़ मान गई, यानी उसने अपने वालिद अपने शोहर की तजवीज़ के साथ रजामंदी जाहिर की। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, आखिरकार वह अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकती थी, डाई ऑफ हंगर, भूख की वजह से मरना। शी थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा, यानी वो सोचती ही रही। बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन कोई दूसरा मंसूबा उसके दिमाग में नहीं आया, केम आना टू हर माइंड, दिमाग में या जहन में। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसने ख्वाहिश की कि काश इसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते, they could have been fed well and brought up nicely, कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाते, इस तरह से वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाया या पिलाया जा सकता और उनकी उम्दा परवरिश की जा सकती। nicely, उम्दा, brought up, परवरिश करके परवान चढ़ाना, यानी उनकी अच्छी परवरिश करना। Here is a question, what did the woodcutter's wife wish for? Woodcutter wife wish for,
लकड़हारे की बीवी ने क्या ख्वाहिश की? शी विश दैट शी हैड ओनली 3 sons इंस्टेड ऑफ 7। उसने ख्वाहिश की कि काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते। शी थॉट दैट इफ दे हैड फ्यूअर चिल्ड्रन दे कुड हैव फेड देम वेल। अगर उनके 7 की बजाय 3 लड़के होते और इनके कम बच्चे होते और वो उन्हें उम्दा खिला पिला सकते थे। पैराग्राफ नंबर 6, लेट्स स्टार्ट। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जैसे जैसे लकड़हारा और उसकी बीवी बहस कर रहे थे, आर्ग्यूड बहस करना, बहस कर रहे थे, दे रेस्ड देयर वॉइसिस, तो उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, रेस्ड देयर वॉइसिस, उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। द लिटिल मिर्चू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, तो छोटे मिर्चू ने वो सब सुन लिया जो के उनके वालदेन ने कहा था, जो कुछ उन्होंने कहा था छोटे मिर्चू ने वो सब सुन लिया। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरक्स यानी उनकी तरह वो नहीं था, ही वॉज नॉट असलीप, वो उनकी तरह सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, वो काफ़ी देर तक लेटा ये सोचता रहा कि इसके बारे में कौन सा काम बेहतर होगा या वो क्या करे। एज सून एज इट वॉज ट्विलाइट, एज सून एज जूही ट्विलाइट, सुबह का धुंधलका हुआ यानी थोड़ी सी रोशनी हुई और अभी रात ही थी, उसे कहते हैं धुंधलका। जैसे ही थोड़ा सा धुंधलका हुआ या थोड़ी सी रोशनी हुई, ही गॉट अप क्विकली, वो तेज़ी से उठा, एंड क्रैप्ड आउट ऑफ द कॉटेज, और झोंपड़ी से बाहर निकल गया, क्रैप्ड आउट बाहर निकल गया आउट ऑफ द कॉटेज झोंपड़ी से, एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और वो वहाँ से जंगल की तरफ उसने दौड़ लगा दी। ही फील्ड हिज पॉकेट्स देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, उसने अपनी जेबें छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से भर ली। देन ही रैन बैक टू द हाउस, और वापस वो अपने घर आ गया, एंड वॉज इन बेड अगेन आल क्वाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट स्लीप व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, वो तेज़ी से घर वापस आ गया और इसने चुपके से वो बिस्तर पर लेट गया, आल क्वाइट चुपके से, और फिर प्रिटेंडिंग बहाना किया, और फिर गहरी नींद सोने का बहाना किया, फास्ट स्लीप गहरी नींद। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी वालदा उसे बुलाने के लिए आई, यानी वो भी दौड़ता हुआ घर पहुंचा और चुपके से बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद सोने का बहाना किया जब इसकी माँ ने इसे बुलाया। हियर अ क्वेश्चन, व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट्स विद, व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट विद, मिर्चू ने अपनी जेबें किस चीज़ से भर ली, पॉकेट्स मीन जेब, उसने अपनी जेब किस चीज़ से भरी। मिर्चू फील्ड हिज पॉकेट विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, मिर्चू ने अपनी जेब छोटी छोटी सफ़ेद कंकरियों से भर ली या छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से भर ली। पैराग्राफ नंबर 7, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 7। वी आर आल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हिज मदर टोल्ड द बॉयज, हम सब जंगल की तरफ जा रहे हैं, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम सब आग में जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए अपने वालिद की मदद करोगे।
फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि हमारे पास ग़ज़ा ख़रीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा. लेफ्ट नो मनी लेफ्ट, कोई पैसा नहीं बचा टू बाय एनी फूड, कोई भी ग़ज़ा ख़रीदने के लिए. द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गए, एक्साइटेड पुरजोश, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख को भूल गए. एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, एंड वर इन नो टाइम, और जल्द ही वो अपने वालिद के साथ जंगल की तरफ जा रहे थे और फौरन अपने बाप की रहनुमाई में जंगल जाने वाले रास्ते पर गामजन थे. ऑन द वे ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल जाने वाले रास्ते पर, विद देयर फादर लीडिंग, अपने वालिद की रहनुमाई में. द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लोनसम, जंगल बहुत तारीक और सुनसान था. डार्क तारीक, लोनसम सुनसान. बट द वुड कटर न्यू एवरी बीट ऑफ इट सो वेल दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन लकड़हारा इसके चप्पे चप्पे से इतना बखूबी वाकिफ था कि वह जल्द ही जंगल के इंतहाई घने हिस्से में पहुँच गए. डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इंतहाई घने हिस्से में. एंड न्यू एवरी बिट ऑफ इट, यानी इसके चप्पे चप्पे से वो वाकफ था. लेट्स आंसर द क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिर्चूज मदर टेल द बॉयज इन द मॉर्निंग, मिर्चू की माँ ने सुबह के वक्त लड़कों से क्या कहा. एंड द आंसर इज, मिर्चूज मदर आस्क द बॉय टू गो टू द फॉरेस्ट विद देम. शी सेड दैट दे वुड कलेक्ट वुड टू सेल. शी सेड दैट दे हैड लेफ्ट नो मनी टू बाय फूड. इसने लड़कों को अपने साथ जंगल जाने का कहा. इसने कहा कि वो बेचने के लिए लकड़ियाँ जमा करेंगे और फिर इन लकड़ियों को इकट्ठा करके वो खुराक खरीदेंगे, क्योंकि खुराक खरीदने के लिए उनके पास कोई रकम नहीं बची. लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 8. आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, सेड द वुड कटर. लकड़हारे ने कहा कि मैं सबसे पहले छोटे छोटे दरख्त काटूंगा. स्मॉल ट्रीज, छोटे दरख्त. एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेज एंड टाई देम इनटू स्मॉल बंडल्स. और तुम तमाम लड़के टहनियाँ इकट्ठी करनी है, यानी तुम तमाम लड़कों ने टहनियाँ इकट्ठी करनी है. ब्रांचेज, टहनियाँ कलेक्ट, इकट्ठा करना. तुम तमाम लड़कों ने टहनियाँ इकट्ठी करनी है और उन्हें छोटे छोटे गट्ठों में बांधना है. इंटू स्मॉल बंडल्स, छोटे छोटे गट्ठों में बांधना है. इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, और ये मेहनत तलब काम होगा, यानी इस काम में सख्त मेहनत करनी पड़ेगी. हार्ड वर्क, सख्त मेहनत. एंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द वुड कटर आस्क द बॉयज़ टू डू. वुड कटर, लकड़हारे ने लड़कों को क्या करने के लिए कहा. He said that he would cut a small trees and he asked the boys to collect all the branches and tie them into small bundles. Into small bundles. लकड़हारे ने अपने बेटों से कहा कि वो बेचने के लिए वो छोटे से दरख्त काटेगा, और इसने लड़कों से कहा कि वो तमाम टहनियाँ इकट्ठी करें और इन्हें छोटी छोटी गट्ठों में बांध दें, यानी छोटे छोटे बंडल्स में इन्हें बांध दें. हेयर पैराग्राफ 9 बिगन्स. लेट्स स्टार्ट एंड ट्रांसलेट द पैराग्राफ 9. विद दैट ही कट द ट्रीज विद हीज एक्स
एंड सेट हिज 7 सन्स टू वर्क विद दैट, यानी ये कहते हुए इसने अपने कुल्हाड़े से दरख्त काटे, विद हिज एक्स अपने कुल्हाड़े से दरख्त काटे और अपने 7 बच्चों को काम पर लगा दिया. सेट टू वर्क, काम पर लगाना, और अपने 7 बच्चों को काम पर लगा दिया. वाइल द बॉयज वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, इसी दौरान बच्चे इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे. द वुड कटर नॉडेड टू हिज वाइफ एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे. वुड कटर, लकड़हारे ने अपनी बीवी को सर से इशारा किया. नॉडेड, सर हिलाकर इशारा करना, अपनी बीवी को सर हिलाकर इशारा किया और वो दोनों खामोशी से वहाँ से खिसक गए. स्नीक्ड अवे, खिसक गए या खामोशी से वहाँ से चले गए. The boys felt a kind of shudder. लड़कों पर एक तरह की कपकपी तारी हो गई. A kind of shudder, कपकपी तारी हुई. They began to shout and call for their father. उन्होंने ये सोचकर, नहीं, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया. They began to shout, वो चिल्लाना शुरू किया और अपने वालद को आवाज़ें देने लगे. Thinking that he might be playing some kind of a trick with them, ये सोचते हुए कि शायद उनका वालद उनके साथ किसी तरह का कोई मजाक कर रहा है. Some kind of a trick, शायद कोई मजाक कर रहा है. When, however, he did not appear for quite some time, जब वो काफ़ी देर तक या काफ़ी टाइम गुजरने तक नमूदार नहीं हुए या सामने नहीं आए, जाहिर नहीं हुए, दे रियली फेल्ट फ्राइटन्ड, वो वाक़ियतन परेशान हो गए. एंड बिगेन टू क्राई, और रोना शुरू कर दिया, ज़ारो कतार रोने लगे. बिगेन टू क्राई बिटरली, बिटरली ज़ारो कतार. देन द क्लेवर मिर्चू सेड, तब चालाक मिर्चू ने कहा, डू नॉट वरी बॉयज, परेशान मत हो लड़को, आई नो द वे होम, मैं घर का रास्ता जानता हूँ. उसने कहा, लड़को परेशान ना हो, मुझे घर का रास्ता मालूम है. आल वी हैव टू डू इज टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन्स, जो हमें करना है वो बस इतना सा है कि सफ़ेद कंकरियों की लकीर पर चलना है, फॉलो चलना है या पैरवी करना है. द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन्स, सफ़ेद कंकरियों की लकीर पर, ट्रेल लकीर पर चलना है. फादर इज नॉट गोइंग टू कम, फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम, के भाई उसके वाले साहब नहीं आने वाले. मिर्चूज ब्रदर हाउ एवर डाउटेड वट ही सेट, मिर्चू के भाइयों को इस पर यकीन ना आया. डाउटेड, शक किया, यकीन ना किया, उनको इस पर यकीन ना आया जो उसने कहा. एट दिस ही रिपीटेड वट देयर फादर हैड सेट द नाइट बिफोर एंड टोल्ड देम हाउ ही हैड फिल्ड हिज पॉकेट्स विद स्टोन्स एंड ड्रॉप देम वन बाय वन ऑन द वे. और इसने वो सब कुछ दोहराया, रिपीट दोहराना, उसने वो सब कुछ दोहराया जो उसके वालद ने उस रात को या पिछली रात जिसके बाप ने कहा था और इन्हें बताया था, और इन्हें बताया कि किस तरह इसने अपनी जेबें कंकरियों से भरी और रास्ते पर, और इन्हें रास्ते पर एक एक करके गिराता आया था. ड्रॉप देम, इन्हें गिराता आया वन बाय वन, एक एक करके रास्ते पर. सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स थ्रू द डीप फॉरेस्ट एंड अलोंग द विंडिंग पाथ्स अनटिल दे रीच द कॉटेज. मिर्चू ने रहनुमाई की घने जंगल में और बल खाते हुए रास्तों पर अपने भाइयों की, यहाँ तक के वो कॉटेज में पहुँच गए. लेट बीन, रहनुमाई करना. डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल में. विंडिंग पाथ्स, बल खाते रास्तों पर. उसने गहरे जंगल में बल खाते रास्तों में
अपने भाइयों की रहनुमाई करते कि यहाँ तक कि उन्हें कॉटेज में ले आया, यानी वो कॉटेज में अपने घर में पहुँच गए। Perhaps we are not going to be welcomed. शायद हमें यहाँ पे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा, मिर्चू said softly. मिर्चू ने आहिस्ता से कहा, सॉफ्टली आहिस्ता से या आराम से कहा। Let us wait outside the cottage for a while. थोड़ी देर के लिए झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करें। And see, देखें, if we can hear what father and mother are talking about. जो थोड़ी देर के लिए झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करें और देखें अगर हम सुन सकें कि वालिद यानी अब्बू और अम्मी क्या बातें कर रहे हैं। A question is here. Who led the boys through the deep forest? Who led the boys through the deep forest? यानी गहरे जंगल में लड़कों की किसने रहनुमाई की? It's very simple question. Mirchu led the boys through the deep forest. He brought them home. मिर्चू ने गहरे जंगल में रहनुमाई की लड़कों की और उन्हें घर ले आया। पैराग्राफ नंबर 12 begins. Let's start the reading of paragraph number 7. When the woodcutter and his wife arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them. जब लकड़हारा और इसकी बीवी जल्दी घर वापस आए, उस दिन उन्होंने 10 चांदी के सिक्कों को अपना मुंतजिर पाया। दे हैड फाउंड, उन्हें पाया 10 सिल्वर कॉइंस, 10 चांदी के सिक्के वेटिंग फॉर देम, उनका मुंतजर या इंतज़ार कर रहे। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ अ डेब्ट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट। ये रकम उनके दिए हुए एक कर्ज की अदायगी की मद में आई थी जिसे वो अरसा हुआ भुला चुके थे। ए पेमेंट ऑफ अ डेब्ट, कर्जे की अदायगी के बारे में, लॉन्ग फॉरगॉटन, बहुत अरसा पहले, अबाउट उसके बारे में भुला चुके थे। एट द साइट ऑफ सो मच मनी द वुड कटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय। इतनी बड़ी रकम देखकर लकड़हारे की बीवी खुशी से रो दी। वेप्ट विद जॉय, खुशी से रोना। बट वेन शी रिमेंबर्ड दैट, लेकिन जब उसे याद आया, शी वुड नेवर सी हर बॉयज अगेन, ऑल हर जॉय वैनिश्ड एंड शी बिगेन टू सोब। जब उसे याद आया कि वह अपने लड़कों को दोबारा नहीं देख पाएगी, तो इसकी सारी की सारी खुशी गायब हो गई, वैनिश्ड, गायब हो गई। एंड शी बिगेन टू सोब, और उसने सिसकियाँ लेना शुरू की या वो सिसकियाँ लेने लगी। वट यूज़ वॉज दैट मनी टू हर नाउ, इस रकम का अब क्या फ़ायदा? शी थॉट, उसने सोचा इस रकम का अब क्या फ़ायदा। आंसर द क्वेश्चन, वट डिड द वुड कटर एंड हीज वाइफ फाइंड वैन दे अराइव्ड होम। जब लकड़हारा और उसकी बीवी घर वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा या उन्हें क्या मिला? अराइव्ड होम, घर पहुँचे जब। When the woodcutter and his wife reached home, arrived home, they found 10 silver coins waiting for them. 10 silver coins waiting for them. There. जब लकड़हारा और इसकी बीवी घर पहुंचे, तो उन्होंने 10 चांदी के सिक्कों को अपना मुंतजिर पाया। Dear student, paragraph number 13. Begins, let's start. My sons, my poor little sons. मेरे बच्चों, मेरे बेचारे नन्हे बच्चों, she exclaimed sorrowfully. इसने गमजदा लहजे में कहा, what would I not give to have you safely back home? What would I not give to have you safely back home?
मैं खैरियत से घर वापस लाने के लिए क्या मैं कुछ नहीं दूंगी? परहैप्स, शायद, बाय नाउ दे माइट हैव बीन ईटन बाय वॉल्व्स। आ शायद अब तक तो उन्हें भेड़िए भी खा चुके होंगे। दिस वॉज आल मिर्चू वॉन्टेड टू हियर। मिर्चू बस यही सुनना चाहता था। ही पुश्ड द डोर ओपन। उसने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया, पुश्ड धक्का लगा कर या धकेल कर खोल दिया। एंड रैन टू हिज मदर, और दौड़ता हुआ अपनी वालदा के पास आया या माँ की तरफ दौड़ा। हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू, इसके भाई भी इसके पीछे पीछे आ गए। डोंट क्राई मदर, मत रोइए अम्मी जान। वी आर ऑल हियर, हम सब यहीं पे हैं। ऑल सेव एंड साउंड, हम सब महफूज हैं। व्हाट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वॉज इन द वुड कटर्स कॉटेज दैट नाइट। उस रात लकड़हारे की झोंपड़ी में क्या खुशी और शादमानी थी। जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी एंड शादमानी। एंड व्हाट आर फीस्ट दे ऑल हैड एज दे सेट अराउंड द टेबल। और क्या ज़ियाफ़त, यानी बहुत बड़ा खाना, और उन्होंने क्या ज़ियाफ़त उड़ाई जब वो मेज़ के गिर्द बैठे थे। टेबल मेज़ के गिर्द, अराउंड द टेबल मेज़ के गिर्द बैठे थे। द वुड कटर, हिज वाइफ एंड ऑल देयर सन्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके बाद लकड़हारा, इसकी बीवी और सातों बच्चों ने हमेशा हमेशा खुशी की ज़िंदगी बसर की। वेल डन लिटल मिर्चू, बहुत खूब नन्हे मिर्चू। डियर स्टूडेंट, आवर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन आर कंप्लीटेड। नोट डाउन द डायरी, डू द रीडिंग एंड लर्न ट्रांसलेशन। लर्न एंड राइट विद इन लेसन क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक। सी यू लेटर विद अनदर लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।